Assalamu alaikum guys, hope you people are doing well. Welcome back to my channel Cook with Husaini. If you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel and hit the bell icon for next video notification. आज हम बनाने जा रहे हैं हरियाली चिकन। अक्सर जब हम फंक्शन में जाते हैं तो ज़बरदस्त हरियाली चिकन बनता है, तो हम सोचते हैं काश हम ये हरियाली चिकन घर पे भी बना सके। यही शादियों में बनने वाला हरियाली चिकन की रेसिपी आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक। हरियाली चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए 2 kg चिकन, 1 पुदीना, 2 कोथमीर, ग्रीन चिल्लीस आप आपके तीखेपन के हिसाब से ले लीजिए, 250 ग्राम दही, हैंडफुल ऑफ बादम, 1 लेमन, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1 teaspoon सॉल्ट, 2 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट। सबसे पहले आप कोथमीर, पुदीना, ग्रीन चिल्लीस और बादाम को ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लीजिए। अब मैंने लिया है जार और उसमें ऐड किया है कोथमीर, पुदीना और ग्रीन चिल्लीस को ऐड करके थोड़ा सा वाटर ऐड करके आप उसका पेस्ट बना लीजिए। बादाम का भी आप पेस्ट बना लीजिए। अब हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। मैंने लिया है बॉल और उसमें ऐड किया है 2 kg चिकन। चिकन ऐड करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे 2 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर ऐड करिए 1 teaspoon सॉल्ट, फिर ऐड करिए 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर, ऐड किया है लेमन का स्क्वीज करा हुआ जूस, फिर उसमें ऐड किया है कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची का पेस्ट, फिर ऐड किया है 250 ग्राम दही। दही ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप इसे अच्छे से मिक्स करिए ताकि सारे मसाले चिकन में अच्छे से मिल जाए। इसे अच्छे से मिक्स करके आप उसमें ऐड करिए 1 कप वाटर। वाटर ऐड करने के बाद भी आप उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप उसे मैरिनेशन के लिए रखिए 2 आवर्स तक। अब मैंने ली है कढ़ाई और उसमें ऐड किया है 1/2 कप ऑयल। ऑयल हॉट होने के बाद आप उसमें ऐड करिए मैरिनेट करे हुए चिकन के पीसेस। आप इसी तरह सारे पीसेस को ऐड करिए, फिर उसमें ऐड करिए मैरिनेट करे हुए चिकन का ग्रेवी और इसे अच्छे से मिक्स करिए। आप इसे अच्छे से मिक्स करिए और इसे स्टर करिए। स्टर करने के बाद आप उसमें ऐड करिए ग्राइंड करे हुए बादाम का पेस्ट और उसे पकने के लिए रखिए ढक के 1/2 आवर तक मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए चिकन अच्छे से पक रहा है। आप तभी चेक कर लीजिए और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लीजिए। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इसे पूरा पानी सूखने तक मत पकाइए। हरियाली चिकन बनने में जितना आसान होता है उसका टेस्ट भी उतना ही औसम होता है। देखिए खुशबूदार लाजवाब हरियाली चिकन तो तैयार हो चुका है। देखने में ही कितना मज़ेदार लग रहा है हरियाली चिकन। और आप हमें बताइए शादियों में बनने वाले हरियाली चिकन की रेसिपी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए दोस्तों। अल्लाह हाफिज़ गाइज़।